गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट प्रोज सेकेंड लेसन ऑफ हेलो ट्रेवलर, जिसके राइटर मिस्टर एजी गार्डनर जी हैं, का टेक्स्ट अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इसमें हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट वन है, इसको मैंने तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। इस पूरे अफेलो ट्रेवलर्स टेक्स्ट को, इस पूरे चैप्टर को मैंने तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं वीडियो के सेकेंड और थर्ड पार्ट का भी लिंक दे दूंगा, और उसमें अदर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको, जिसके द्वारा आप पूरी ग्रामर को स्टडी कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एजी गार्डनर एक स्लो मूविंग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में वो ट्रेन काफ़ी भरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वन टू करते करते जब सबर्बन रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं, तब तक में सारे पैसेंजर्स उतर गए थे। अब उनको फील होता है अपने आप में कि मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जो चाहूँ मैं उछल कूद कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ, कंचे खेल सकता हूँ। मिस्टर जॉन जो मेरा दुश्मन है या मुझसे जिससे नहीं पढ़ते, उसको मैं एक किक भी कर सकता हूँ। इस प्रकार से मैं बहुत सारे जो मैं डोरा नियम को भी तोड़ सकता हूँ, डोरा को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अचानक उनको रियलाइज़ होता है कि समवन इज़ देयर आल्सो विथ हिम, दैट इज़ फेलो ट्रैवलर। एक मॉस्किटो आता है, उनकी नाक पर बैठता है, वो उसको डांट देते हैं, उनके गर्दन पर आता है, फिर आकर के हाथ पर बैठ जाता है, फिर फाइनली उनको लगता है कि इसको मौत की सजा दी जानी चाहिए। पढ़ेंगे इसमें हम लोग, इसको जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आई डो नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट। आई डो नॉट नो, मुझे नहीं पता है, विच ऑफ अस, कि हम में से कौन लोग गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट, इस कैरिज में पहले आए थे। मुझे नहीं मालूम कि हम दोनों में से कौन इस कैरिज में या इस बोगी में पहले आए थे। इंडीड आई डिड नॉट नो, वास्तव में मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरिज, कि वह कैरिज में था, मेरे कंपार्टमेंट में था, एट ऑल फॉर सम टाइम्स, लगभग काफ़ी समय से। तो कहते हैं, आई डो नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट, मुझे नहीं मालूम कि हम में से कौन पहले इस कैरिज में आता है, इस बोगी में आता है, इस ट्रेन में आता है। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम्स, मुझे यह भी नहीं मालूम था कि वो कितनी देर से या कुछ समय से ट्रेन में मेरे साथ था। इट वॉज़ द लास्ट ट्रेन फ्राम लंदन टू मिडलैंड टाउन, यह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुकने वाली ट्रेन थी। एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, एक प्रकार से यह इनफाइनेटली मीन्स होता है बहुत अधिक, लेजरली मीन्स आरामदायक, ट्रेन मीन्स ट्रेन, यह बहुत ही आरामदायक ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन, उन ट्रेनों में से एक, हु गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझदारी, इटर्निटी मीन्स होता है अनंत काल, जो आपको अनंत काल तक का एहसास करा देती है, अनंत काल तक के समझदारी का एहसास करा देती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसी ट्रेन थी जो हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन थी, और बहुत ही धीरे चलने वाली एक आरामदायक ट्रेन थी, जो आपको पूर्ण आनंद देने वाली ट्रेन थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चली तो बिल्कुल भरी हुई थी, पूर्ण रूप से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, लेकिन जब हम स्थानीय या सबर्बन स्टेशन पर रुकते गए, द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस आर टूस, तो यात्री एक एक और दो दो करके एलाइटेड उतरते चले गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लिफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, आई वॉज अलोन, और जब हमने लंदन का आउटर रिंग क्रॉस किया, अर्थात लंदन के आखिरी छोर तक पहुँचे, तब मैंने महसूस किया कि
आई वॉज एलोन, मैं अकेला था, और रेदर या फिर आई थाट आई वॉज एलोन, मैंने सोचा कि मैं अकेला था, अर्थात जब लंदन शहर का आखिरी छोर तक हम पहुँचे तो हमको ऐसा एहसास हुआ जैसे कि यह ट्रेन पूरी खचाखच जो भरी थी अब पूर्ण रूप से खाली हो गई है, क्योंकि एक एक और दो दो करके धीरे धीरे सारे पैसेंजर्स इसमें से उतर गए हैं। उन्हें लगा कि शायद मैं अकेला हूँ, या मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ इस ट्रेन में, हालांकि वो अकेले नहीं थे, कोई और भी साथ में था। तो आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं देयर इज़ अ प्लीजेंट सीन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का एक सुहावना एहसास था, अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होना, इन द कैरिज, उस कैरिज में, दैट इज़ जॉल्टिंग नॉइजली, जो शोर कर रहा है, झटके लगा रहा है थ्रू आउट द नाइट, संपूर्ण रात में। कहते हैं उस ट्रेन में अकेले सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है, जहाँ पर आवाज़ें भी आ रही हैं रात में और शोर भी हो रहा है, झटका भी लग रहा है। इट इज़ लिबर्टी ऑफ अनरेस्ट्रेन, इट इज़ लिबर्टी ऑफ अनरेस्ट्रेन, अनरेस्ट्रेन मीन्स होता है विथआउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रुकावट के। कहते हैं इट इज़ लिबर्टी, यह एक प्रकार से आज़ादी है, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, मीनिंग भी आप लोग पढ़ते चलिएगा, इट इज़ लिबर्टी, यह एक आज़ादी है, एंड अनरेस्ट्रेन, और क्या है, अनरेस्ट्रेन है, अर्थात बिना किसी रुकावट के है, इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एक बहुत ही एग्रीएबल मीन्स प्लीजेंट, सुहावना, और फॉर्म मीन्स बताइए। तो इस प्रकार कहते हैं इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेन इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, कहते हैं यह आज़ादी का एक सुखद एहसास है, यह ट्रेन में, इस प्रकार की ट्रेन में सफ़र करना आज़ादी का एक सुखद एहसास दिलाता है। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, आप जो चाहो वो कर सकते हो, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप खुद से बातें कर सकते हो, एज लाउड एज यू प्लीज, जो उतना तेज जितना आपकी खुशी, एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई सुनेगा भी नहीं, अर्थात आप कोई भी काम कर सकते हो, आप खुद से ज़ोरदार आवाज़ में बात कर सकते हो और कोई आपकी बात को सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जॉन, आप जॉन, उनका दोस्त कोई जॉन है, आप उनसे आर्गूमेंट कर सकते हो, एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली, और उनको धूल चटा सकते हो, वैसे ट्रम्फेंटली में होता है विजय के घमंड से, ट्रम्फेंटली, आप उनको अर्थात धूल चटा सकते हो, आप उनको उसमें हरा सकते हो, इन द डस्ट विथआउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना प्रतिकार के भय से, अर्थात पलटवार के भय से, अर्थात वहाँ पर पलटवार वाला कोई भय नहीं होगा, आप उनको जो भी चाहो कह सकते हो, और बदले में वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर आपको सुनने के लिए है ही नहीं है, तो कहेंगे क्या वो। फिर कहते हैं यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं, एंड नो वन विल सी यू, आपको कोई देख भी नहीं पाएगा। यू कैन सिंग डांस वन आर टू स्टेप, आप गा सकते हैं, आप एक या दो स्टेप नाच सकते हैं, प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ स्ट्रोक करने का अर्थात गोल्फ खेलने का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर, या फिर फर्श में, उसी ट्रेन के फर्श में आप कंचे खेल सकते हैं, विथआउट एनी लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के, लेट आर हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोकथाम के आप कंचे भी खेल सकते हैं। कहते हैं यू कैन ओपन द विंडो, आप विंडो खोल सकते हैं, और शट द विंडो, या विंडो को बंद कर सकते हैं, प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, प्रोवोकिंग मीन्स अराउजिंग, और प्रोटेस्ट मीन्स होता है ऑब्जेक्शन, अर्थात बिना किसी विरोध के, बिना किसी रुकावट के, आप चाहे तो खिड़कियां बंद कर सकते हैं, आप चाहे तो खिड़कियां खोल सकते हैं, यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ और शट बोथ, आप चाहें तो दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों को बंद कर सकते हैं, इनडेड यू कैन गो ऑन ओपन देम, या फिर आप चाहें तो आप सभी को खुला रहने दे सकते हैं, एंड सेटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, या अपनी आज़ादी के त्यौहार, आज़ादी के उत्सव में आप जिसको चाहें बारी बारी से खोल और मून सकते हैं।
खिड़कियों को खोल और बंद कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कॉजन, कहते हैं आप कॉजन में जा कर के चुपचाप सो सकते हैं, अर्थात जो बैठने का स्थान है, जो बैठने के लिए लोग सीट है, आप वहाँ चाहें तो लेट सकते हैं, पूर्ण रूप से आप उसमें लेट सकते हैं। इन्जॉय लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन ऑफ एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, आप डोरा के नियम को भी तोड़ सकते हैं, आप ट्रेन में बैठने के जो ढंग है उसको तोड़ सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, जिस प्रकार से आप चाहें उस प्रकार से बैठ सकते हैं, आप चाहें तो सीट पर लेट भी सकते हैं, आप डोरा नियम को तोड़ भी सकते हैं। एंड डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, और डोरा को पता भी नहीं चलेगा, जो एक प्रकार का नियम बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में, इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। तो एक प्रकार से डोरा के नियम को भी आप तोड़ सकते हैं और डोरा को हर्ट कर सकते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा। आर यू हैव स्कैब्ड इवन डोरा, और आप डोरा नियम को तोड़ने के खिलाफ जो दंड मिलता है उस दंड से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर एजी गार्डनर जी कि वो जब अकेला फील करते हैं उस ट्रेन में, तो उनके अंदर कैसे शरारत भरे माइंड में विचार आते हैं करने के लिए, उछलना कूदना नाचना गाना शोर मचाना कंचे खेलना सिर के बल खड़े होना यहाँ वहाँ भागना ट्रेन में, ये सब केवल विचार आते हैं, उन्होंने किया नहीं इसमें से कोई भी काम अभी, वो केवल सोच रहे हैं कि आज़ादी भरे इस ट्रेन में अकेला होने का क्या वैल्यू है, कितना महत्व, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और कोई मुझे इंटरप्ट करने वाला या मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इस रात मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। ऑन दिस नाइट, इस रात्रि, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, ऐसी कोई भी घटना मेरे साथ नहीं हुई। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डनरी, वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डनरी, मैंने जो भी काम किया वो बहुत ही साधारण था। वेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पासर्स या पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरा आखिरी पैसेंजर जो मेरे साथ बैठा था वो उतर गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपना पेपर नीचे रख दिया। स्ट्रेस माई आर्म्स एंड माई लेग्स, अपने हाथ और पैर को फैलाता हूँ। स्टूड अप, और खड़ा होता हूँ। और लुकड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखता हूँ। ऑन द काम समर नाइट, उस शांत गर्मी की रात को, थ्रू विच, जहाँ से होकर आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। अर्थात कहते हैं जब मेरा अंतिम यात्री था जो मेरे साथ यात्रा कर रहा था वो उतर जाता है, तो मैंने अपना पेपर नीचे रख दिया और अपना हाथ और पैर फैलाकर मैं खड़ा हो गया। मैं विंडो के पास गया उस शांत गर्मी की रात को जिस ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था। कहते हैं कि नोटिंग द पैल रेमिनिसेंस, कहते हैं रेमिनिसेंस मीन्स होता है स्मृति दिलाना या फिर रिमाइंड करना, एक प्रकार से याद दिलाना ऑफ द डे टिल स्टिल लिंगर्ड, यहाँ पर लिंगर्ड मीन्स होता है ठहरना, स्पेलिंग आप लोग मीनिंग लिख सकते हैं, लिंगर्ड ठहरना इन द नॉर्थ स्काई। तो कहते हैं कि आई वॉज जर्निंग नोटिंग द पैल रेमिनिसेंसेस ऑफ डे, कहते हैं अभी भी हल्का फुल्का, पैल मीन्स एक प्रकार से प्रकाश, पैल मीन्स क्या होगा प्रकाश, रेमिनिसेंस मीन्स होता है स्मृति शेष बचा हुआ था, ऑफ द स्टिल लिंगर्ड, अभी भी ठहरा हुआ था, इन द नॉर्थर्न स्काई, अभी भी नॉर्थर्न अर्थात उत्तर की दिशा में, अभी भी रात का समय हो चला था फिर भी अभी शाम के कुछ रोशनी बची हुई थी, अर्थात उधर से कुछ रोशनी दिखाई पड़ रही थी। फिर कहते हैं क्रॉस द कैरिज, मैं अपने कैरिज से आगे बढ़ा, अर्थात अपनी बोगी में जहाँ पर बैठा था उससे उठकर थोड़ा सा आगे बढ़ा। लुकड आउट ऑफ द विंडो, अदर विंडो, दूसरे विंडो से मैंने आगे की तरफ या बाहर की तरफ झांका। लीट अ सिगरेट, मैंने एक सिगरेट जलाई और सैट डाउन,
और फिर मैं बैठ गया एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से अपना पेपर जो भी मैगज़ीन में या पेपर लिया था उसको पुनः मैं पढ़ने लगता हूँ। इट वॉज देन दैट आई बिकम अवेयर ऑफ फेलो ट्रैवलर, यह वही समय था जब मैं अपने फेलो ट्रैवलर से अवेयर हुआ, परिचित हुआ, जानकार हुआ, जाना अर्थात जब मुझे लगा कि मेरा आखिरी पैसेंजर उतर गया है, तो मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क नहीं किया, मैं चुपचाप खड़ा हुआ, विंडो के पास गया, देखा बाहर की तरफ और मुझे लगा कि काफ़ी रात हो गई है और अभी भी आसमान में कुछ रोशनी बाकी है। तो ऐसा सोच करके मैं फिर आया और अपने स्थान पर फिर बैठ गया, अपना न्यूज़पेपर उठाया, तभी मुझे मालूम चला कि मैं अभी भी इस ट्रेन में अकेला नहीं हूँ, समवन इज़ देयर हु इज़ ट्रैवलिंग विथ मी। अब देखिए क्या होता है, ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। कौन? वही फेलो ट्रैवलर हु वॉज ट्रैवलिंग विथ एजी गार्डनर। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक में बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ द विंगी, विंगी मीन्स पंखों वाला, निपी मीन्स लंबी नाक वाला, इंट्रीपाइड इंसेक्ट कहते हैं, वह एक इंट्रीपाइड मीन्स होता है एक प्रकार से फियरलेस, ना डरने वाला। तो यहाँ पर आप मीनिंग लिख सकते हैं, विंगी मीन्स विंग पंखों वाला, निपी मीन्स लंबी नाक वाला, इंट्रीपाइड मीन्स होता है फियरलेस, ना डरने वाला, इंसेक्ट प्राणी। तो कहते हैं वह पंखों वाला, लंबी नाक वाला और न डरने वाला प्राणी था, दैट वी कॉल वैगुली मॉस्किटो, जिसको हम लोग वैगुली मीन्स क्या होता है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चित रूप से मॉस्किटो कहते हैं, जिसको हम लोग मॉस्किटो के नाम से पुकारते हैं, वह वास्तव में मेरे साथ सफ़र कर रहा था और आया मेरे नाक पर बैठ गया। तो मैंने क्या किया, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, फ्लिक्ड ऑफ मीन्स होता है उड़ा देना, भगा देना, तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको अपनी नाक से उड़ा दिया, मैंने उसको अपनी नाक से भगा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वह पूरे कंपार्टमेंट को एक चक्कर लगाता है, मेरा टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, पूरे कंपार्टमेंट का एक चक्कर लगाता है और इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशनल, और त्रिआयामी ढंग से अर्थात 3D मैप की तरह या थ्री डायमेंशनल वे में वो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच पड़ताल करता है, निरीक्षण करता है। विजिटेड ईच विंडो, उसने प्रत्येक विंडो को देखी, अर्थात उड़ते उड़ते प्रत्येक विंडो के पास गया और फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ उड़ा। डिसाइडेड दैट, और वह यह पाता है कि देर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज, कोई भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई भी उतना रुचिकर नहीं है, दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि वह किनारे पर बैठा हुआ बड़ा जानवर है, जितना कि वह किनारे पर बैठा हुआ विशालकाय भीमकाय जानवर है, जितना इंटरेस्टिंग वो है उतना इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। भीमकाय जानवर कौन था? वही एजी गार्डनर जो बैठे थे। मच्छर के तुलना में तो भीमकाय या विशालकाय जानवर तो हम लोग ही हैं। वी आर अ काइंड ऑफ एनिमल, यस यस डोंट लाफ, वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ एनिमल, इंसान भी एक प्रकार के जानवर की प्रजातियाँ हैं। अगर कोई आपको जानवर बोल रहा है, डोंट वरी, यस वी आर काइंड ऑफ एनिमल, हम भी एक प्रकार के तो जानवर हैं, बट वी आर स्किल्ड एनिमल। तो ही कहते हैं कि वो उस मच्छर को लगा कि इस विशालकाय जानवर की तरह कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, इसीलिए ही केम एंड हैड अ लुक एट माई नेज कहते हैं, इसीलिए केम, वह फिर से आया एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन की तरफ देखा, मेरे पहले नाक पर बैठ गया था, मैंने उसको उड़ा दिया, वो पूरे कंपार्टमेंट में चारों तरफ घूमता रहा बोगी में, इसके बाद आकर के वो मेरी गर्दन को देखने लगा, अर्थात मेरी गर्दन पर बैठने का प्रयास करने लगा। अब क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो गाइज, ये था अभी तक का पार्ट फर्स्ट, इस पार्ट फर्स्ट को आप एक या दो बार देखिएगा, उसको रीड करिएगा, मीनिंग भी लिखिएगा, जहाँ पर नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो सो गाइज, आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद।